नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गिटार पर सारे गामा कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। तो दोस्तों, पहले सारे गामा क्यों निकालने के लिए कहा जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे? एक्चुअल में सारे गामा होता है एक तरह से बुनियाद। तो बुनियाद जितनी स्ट्रांग होगी उस पर इमारत उतनी ही बुलंद होगी, उतनी ही मजबूत होगी। अगर आपकी बुनियाद स्ट्रांग है तो आप ये मानिए कि आपने खूब तराई, पानी वगैरह, सीमेंट वगैरह बढ़िया कर रखा है उसमें, और तब उसके ऊपर कितने भी मंजिला इमारत बना लो। तो अगर यहाँ पर कहूँ तो जितने आपके सारेगामा का रियाज ज्यादा होगा उतना ही आपका गायन और वादन निखरेगा और उतना ही आप उस पर गाना रूपी इमारत बहुत खूबसूरती से और मजबूत बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसी के ऊपर बता दूं कि सारेगामा कैसे गिटार पे निकलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये डायग्राम देख लीजिए, इस पे मैंने क्या लिखा हुआ गिटार पर सारेगामा कैसे बजाएं, ये हाउ टू प्ले सारेगामा ऑन गिटार, गिटार पर सरगम कैसे निकालें, तो उसके ऊपर ये डायग्राम बना रखा है। आप ये पहली तार देख सकते हैं, ये सबसे पतली तार है जिसको कि E4 बोलेंगे। इसके बाद दूसरी तार ये है, ध्यान दीजिएगा, ये E4 सबसे पतली तार और ये E2 सबसे मोटी तार है। कहीं आप इसको उल्टा ऐसे रीड ना कीजिएगा, कुछ लोग इसको ऐसे रीड कर देंगे गलती से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसे में गिटार देखना है। और आप ये देखिए, सबसे पतली तार ये है, उसके बाद उससे मोटी, फिर मोटी, फिर मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था, एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डांसेस एंड एंटरटेन्स। पहली तार, दूसरी तार, तीसरी तार, चौथी तार, पांचवी तार, छठी तार। तो पहली तार सबसे पतली ये E4 और ये भी सबसे मोटी भी ई पे है, लेकिन ये E2 पे है, दूसरे सप्तक पे, ये चौथे सप्तक पे। अब दोस्तों, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि सारे गामा पे आप कौन कौन सी उंगलियां यूज करोगे। पहली उंगली ये है, दूसरी उंगली ये है, तीसरी, चौथी है, तो ये अंगूठा है। तो आपको इस तरह से बना रखा है, ये अंगूठा, ये लिटिल फिंगर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, सा ये वाली उंगली दबा के निकलेगा, ये वाली, ये तो तार सप्तक का सा इस वाली से निकलेगा, ये वाली सा ये है, रे फिर यहां पर है, ये रे होने का मतलब है कि ये खुला बजेगा, इस तार को कहीं पर नहीं दबाना रे निकालने के लिए। फिर उसके बाद ये एक हो गया, तीन हो गया, पांचवा नंबर पे आपको पता है कि गा होता है, तो यहां पर दबा के इस तार को गा निकलेगा, गा या ई। इसके बाद पांच के बाद छह होता है, यहां पर मा निकलेगा, गा इस उंगली से निकला, मा इस उंगली से, जिस उंगली से सा निकला था उसी उंगली से मा निकला। उसके बाद पा खुला बजेगा यहां पर बिना दबाए हुए इस तार को, पा आठ होता है। उसके बाद दसवा धा होता है, आठ नौ दस, दसवा धा होने का मतलब है कि ये शुद्ध धा निकल रहा, मैंने साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ सी डी ई एफ जी ए, तो यहां पर धा निकल रहा, धा आपका इस वाली गार धा इस वाली फिंगर से निकला ये। इसके बाद नी फिर ओपन बजेगा, ओपन मतलब जहां हमारा गिटार ट्यून है इनको हम ओपन बोलते हैं, तो रे पा और नी, मैंने यहां भी लिखा रे पा नी खुले तारों पर बज रहे हैं, मतलब इन तारों को दबाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तार तो ऑलरेडी इन्हीं स्वरों पर ट्यून है, डी जी और बी पे ट्यून है, इसलिए इन तारों को दबाना नहीं पड़ेगा। तो सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा पा और मा गा रे सा, ये इस तरह से आ गया, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा और मा गा रे सा, इस तरह से आ गया। दोस्तों, अब इसी चीज को मैं गिटार पर दिखाना चाहूंगा, सा यहां पर बज रहा है इस तार पे, रे यहां खुला बज रहा है, इस तार को दबाना नहीं है कहीं पर, सा ये हो गया दबा करके, रे खुला तो यहां माना जाएगा रे, फिर गा, फिर यहां पर मा, फिर पा वाली तार खुला है, मैंने यहां दिखा रखा है पा, फिर धा यहां पर दबा करके धा, फिर नी ये तार यहां माना जाएगा खुला, नी सा, फिर सा नी यहां की मानी जाएगी, फिर धा ये, फिर पा यहां माना जाएगा, फिर मा यहां दबा के, फिर गा, फिर रे इसी तार पे यहां पर है, फिर सा, दोबारा देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा
गारे सा सारे गामा पाधा नी सा सानी दापा मा गारे सा। अब इसको मैं तरीके से बता दूं, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बता दिया मैंने कि ये पहली तार है सबसे पतली और ये सबसे मोटी तार है, ये पहला फ्रेट, ये दूसरा फ्रेट, तीसरा फ्रेट, चौथा फ्रेट। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई बार रिकॉर्डिंग में उल्टा दिखाई देता है, उल्टा समझ में आता है, तो ये हम इस तरह से रखेंगे, ये वाली उंगली यहाँ, फिर ये, 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 सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो दोस्तों अब मैं एक तरीके से दिखा रहा हूं यहाँ पे सारे गामा कैसे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था इस चार्ट पे, ऐसे यहाँ पर किस तरह से बजेगा। सारे गामा पधा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पधा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पधा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पधा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये पहला अलंकार भी हो गया एक तरह से। उंगलियां मैंने वही लगाई जो मैंने चार्ट पे एक्सप्लेन किया था, सा ये यहाँ आ गया, सारे सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इस पर अगर दूसरा अलंकार बजाना हो तो सा सा रे रे गा गा मा मा किस तरह से बज जाएगा। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। इसके बाद तीसरा अलंकार सारे गा रे गा मा गा मा पा वाला। सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा, सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। अलंकार इस तरह से हो। अब चौथा अलंकार देखिए, चौथा अलंकार सारेगामा रेगामा पा वाला। सारेगामा रेगामा पा गामा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा रे मा गा रे सारेगामा रेगामा पा गामा पा धा मा पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा गा मा गा रे मा गा रे सा। इस तरह से चार अलंकार इस तरह से आपके गिटार पे बजेंगे, आप इनको नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी इनका ले लीजिएगा। दोस्तों आप सभी के सामने मैंने ये एक्सरसाइज या अलंकार बजाए हैं, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मैंने चार अलंकार जो बताए आपको। ये और बता दो कि आरओ को ये वेस्टर्न म्यूजिक में एक्सेंट बोल देते हैं और अवरो को डिसेंट बोल देते हैं। आरओ का ठीक उल्टा अवरो होता है, देख सकते हैं आप, सारे गामा पा धा नी सा, तो इससे उल्टा करके ये आ जाएगा सानी धापा, जो इधर से आ रहा वो यहाँ से आ गया, जो यूं है इसका उल्टा ये है, ऐसे इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये, तो आरओ का ठीक उल्टा अवरो होता है। और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आरओ अवरो किस तरह से अलंकार वगैरह बनाए जाते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको ये फ्रेट बोर्ड या फिंगर बोर्ड दिखाना चाह रहा हूं, जो मैंने दिखाए थे सारे गामा पा धा नी सा दिखाए थे, इसके बाद का नहीं दिखाया। तो अगर इसके बाद और आगे आप बढ़ना चाहेंगे तो तार सप्तक कर रहे हैं यहां पर, तार सप्तक का गा इस पे हाई ऑक्टेव का, फिर हाई ऑक्टेव का मा, हाई ऑक्टेव का पा, और भी आगे बढ़ोगे तो तार सप्तक का धा, तार सप्तक का नी, फिर अति तार सप्तक का सा यहाँ से आ जाएगा, फिर इस तरह से। तो कुछ लोग तो एक ही तार पर सारे गामा बता देते हैं, हालांकि वो ठीक नहीं है, एक तार पर बताऊंगा मैं तो इस तरह से आ सकता है कि सा एक तीन पाँच छः आठ दस बारह, इस तरह से आ सकता है सारे गामा किसी भी तार पे, एक तार पे तो निकल सकता है, लेकिन एक तार पर मैं कहूंगा कोई बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है, क्योंकि एक तार पे आप बहुत तेज नहीं बजा पाएंगे किसी भी गाने को। तो मैक्सिमम तारों पे यदि आप किसी गाने को बजाते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी खासी बनी रहती है और गाने की एक्चुअल स्पीड में आप किसी भी गाने को बजा सकते हैं। तो सा से ऊपर का तार सप्तक की तरफ ये हम चढ़े थे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मध्य सप्तक था, इसके ऊपर तार सप्तक आ गया था, इससे नीचे मंद्र सप्तक आ गया लो ऑक्टेव, सा नी धा पा मा गा, तो यह आया सा मध्य नी धा यहाँ है पा मा गा, तो सा नी धा पा मा गा, फिर देखिए
सा नी धा प म ग। तो दोस्तों एक बार तीनों सप्तक जो इतने में पॉसिबल है वो आपको बताना चाहूंगा। सा मध्य सप्तक, नी मंद्र, सा सा नी धा प म ग। तो ये सा नी धा प म ग हालांकि आएगा सा नी धा प म ग ग म प द नी सा रे ग म प द नी सा रे ग म प प आगे फिर दा ये लगा सकते हैं। तो अब सा रे ग म प द नी सा रे ग म प द। तो हमने तीनों ऑक्टेव में आपको दिखा दिया। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से तीनों फ्रेट पर हम तीनों सप्तक या तीनों ऑक्टेव निकाल रहे हैं इतने में। अब मैं एक बात और बता दूं कि आप जितने भी YouTube वीडियोस देखेंगे सब पे अलग अलग जगह से बताया होगा, मैंने आपको सी मेजर स्केल, जो वेस्टर्न की जो सी होती है, इसके मेजर स्केल पे आपको मैंने सारेगामा बताया। और जगह से भी बज सकता है लेकिन क्योंकि टाइम कम है इसके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको हर तार से हर फ्रेट से सारे गामा बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना बहुत है, लेकिन जितना मैंने बताया ऐसा नहीं है कि यहीं से सारे गामा बज सकता है, सारे गामा अलग अलग जगह से अलग अलग फ्रेट पे भी बज सकता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए, मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।